गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 17 करेंगे इंग्लिश में, द मिस्चीव। मिस्चीव मतलब छोटी छोटी शरारते। बिल्लू, बिल्लू जो मंकी इसका नाम था, बिल्लू द मंकी वॉज द मोस्ट मिस्चीवियस ऑफ ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। एक जंगल था और उसमें जितने भी जानवर थे उसमें बिल्लू जो बंदर था सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस, शरारती था। मिस्चीवियस मतलब शरारती। ही नेवर हॉर्न एनीबडी, उसने किसी को वैसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बट ही प्ले ट्रिक्स फॉर एम्यूजमेंट, लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए मतलब दूसरों को परेशान करता रहता था, वैसे ही नई नई ट्रिक लगाता था। वन डे एज बिल्लू स्वंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, स्वंग मतलब झूलना, ये बंदर झूलते हैं ना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे पेड़ की, वो जब झूल रहा था हिज माइंड वॉज बिजी थिंकिंग वट ट्रिक ही शुड प्ले एंड ऑन हुम, कि अब वो किसके साथ कुछ अपनी ट्रिक अजमाए और कैसे अजमाए। ही केम टू द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे पे आ गया। ये बैंक, एक बैंक जो इसमें पैसे वगैरह का काम होता है वो बैंक होता है, और ये रिवर बैंक होता है जो नदी का किनारा होता है। अश्वा द हिप्पोपोटेमस, ये दरियाई घोड़ा है जो हिप्पोपोटेमस, इसका नाम था अश्वा, वो भी वहीं रहता था। वास टेकिंग ए बाथ देयर, वो वहाँ पे नहाने के लिए आया था नदी में। बिल्लू ने कहा यू ऑल फैट फैलो, मोटे जानवर, यू डर्टी फैलो, गंदे जानवर। तो अश्वा ने कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यू लिटिल मंकी, छोटे बंदर। बिल्लू ने कहा यू पची ड्रम, यू कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली। ये पच डम मीन्स एक मोटी खाल वाले जानवर को बोलते हैं, कि मोटी खाल वाले जानवर तुमसे कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता। यू कांट इवन टेक ए बाथ प्रॉपरली, तुम तो नहा भी नहीं सकते हो ढंग से। कैन यू, क्या तुम नहाते हो। अश्वा गोट एंग्री एट दिस, अश्वा को गुस्सा आ गया। ही केम आउट ऑफ द रिवर एंड डैश्ड अगेंस्ट द ट्रीज ऑन विच बिल्लू वॉज सिटिंग, वो बाहर निकला और उसने इस पेड़ को जोरदार टक्कर मारी जिस पे बिल्लू बैठा था। बिल्लू ऑलमोस्ट फेल डाउन, बिल्लू गिरते गिरते बचा। अश्वा ने कहा गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहाँ से, यू लिटिल ऐप, तुम छोटे बंदर। ऐप भी एक बंदर को ही बोलते हैं। बिल्लू डिसाइडेड टू प्ले ए ट्रिक ऑन अश्वा, अब बिल्लू ने उस पर एक ट्रिक आजमाने की सोची। बिल्लू ने कहा यू कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते जितना मैं हूँ। हाउ अबाउट ए टग ऑफ वार, टग ऑफ वार मतलब रस्सा कशी का जो खेल वो कॉम्पिटिशन होता है, इसमें एक रस्सी होती है, एक इधर से खींचता है, एक इधर से उसमें जो जीत अपनी तरफ खींच लेता है वो जीतता है, उसको हम बोलते हैं टग ऑफ वार। तो उसने, बिल्लू ने कहा क्या तुम मेरे साथ टग ऑफ वार करोगे। तो अश्वा ने कहा आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ए टग ऑफ वार, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। बट विद हुम, लेकिन किसके साथ। तो बिल्लू ने कहा नो डाउट, कोई शक की बात नहीं, विद मी, मेरे साथ। तो अश्वा ने कहा आई शैल पुट यू अंडर वाटर इन वन पूल, तो अश्वा ने कहा मैं तो तुम्हें एक ही धक्के में पानी के अंदर धकेल दूंगा। गो एंड थिंक अबाउट सम अदर मिस्चीफ, जाओ और कुछ किसी दूसरी शरारत के बारे में सोचो, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी शरारत। अब इस वर्कशीट में, इस चैप्टर में हम इतना ही रीड करेंगे, इसमें जो बचा हुआ है कि कैसे उन दोनों के बीच होता है टग ऑफ वार, कैसे होता है वो हम नेक्स्ट टाइम जब वर्कशीट होगी उसमें रीड करेंगे। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। अम्यूजमेंट मनोरंजन, ट्रिक्स तरकीब, पेचडम मोटी खाल वाला जानवर, ऐप बड़ा बंदर, टग खींचना कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, डर्टियर, डर्टियर मतलब बहुत गंदा, एक्सेप्ट स्वीकार करना, हाइड छिपना या छिपाना, रोप रस्सी, डैश्ड धाराशाही, ट्विंकल चमकना, मड कीचड़। ये राइट एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द हम लिखेंगे। नेवर हम कभी नहीं, एवर हमेशा, एंग्री गुस्सा, हैप्पी खुश, पुल खींचना अपनी तरफ और पुश धकेलना, प्रॉपरली अच्छे से करना, इम्प्रॉपरली सही ढंग से नहीं करना, एंड खत्म बिगिन शुरू। इसके बाद हम सिनोनिम लिखेंगे समानार्थक। मॉन्स्टर इसका क्या होगा,
डेविल जो राक्षस मतलब दैत्य होता है, बिजनेस अफेयर दोनों का एक ही मीन्स है काम करना, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, और इसका सिनोनिम स्ट्रॉन्ग का माइटी ताकतवर। मेक सेंटेंस, ये सेंटेंस हमने कुछ बनाया है। बैंक, एक बैंक होता है रिवर बैंक, ये वाला बैंक है जिसमें हम पैसे का लेन देन करते हैं। आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे, मैं कल बैंक में गया था। रेडी मतलब तैयार होना, होना कैट रेडी, जैसे हम किसी को बोलते हैं तैयार हो जाओ। टुमारो मतलब आने वाला कल, टुमारो आई विल गो टू द जू, कल आने वाले दिन में मैं जू में यानी चिड़ियाघर में जाऊंगा या जाऊंगी। और ये सेंटेंस आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड बिल्लू डू फॉर अम्यूजमेंट, बिल्लू क्या करता था अम्यूजमेंट के लिए। बिल्लू प्लेड ट्रिक्स फॉर अम्यूजमेंट। हाउ डिड बिल्लू डिसाइड टू प्ले ए ट्रिक ऑन अश्वा, उसने अश्वा पे क्या ट्रिक अजवाई। बिल्लू चैलेंज्ड हिम फॉर ए टग ऑफ वार। हाउ डिड द टग ऑफ वार स्टार्ट, हु वर द टू पार्टिसिपेंट्स। बिल्लू केम एट द मिडल ऑफ द रॉप, गेव टू टग्स एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री। गज पुल्ड एट एंड वन एंड एंड अश्वा पुल्ड एट द अदर एंड। दे पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड, अश्वा एंड गज वर द टू पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द टग ऑफ वार स्टार्टेड, व्हेन द अश्वा एंड गज पुल्ड द रोप, द मोर दे पुल्ड द मोर दे फेल्ड, जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की वो फेल हो गए। व्हाट हैपेंड इन द एंड, एंड में क्या हुआ। इन द एंड गज एंड अश्वा ड्रॉप्ड द रोप एंड रैन अलोंग द रोप, एट द मिडिल ऑफ द रोप दे डैश इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे पे गिर गए। हु वॉज द विनर ऑफ द टग ऑफ द वॉर, कौन विनर था। नबडी वॉज द विनर ऑफ द टग ऑफ वॉर। थैंक यू।